बिग बॉस सीजन 15 के इस कंटेस्टेंट का होने वाला है एकता कपूर के शो लॉकअप में एंट्री। वेल आखिरकार कौन है वो कंटेस्टेंट और किन कंट्रोवर्सी से घिरा है ये कंटेस्टेंट जिसके बाद की इसकी एंट्री होने वाली है शो लॉकअप में, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल आपको बता दूँ कि शो लॉकअप में कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए बहुत सारे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का नाम सामने आ रहा है, जहां कुछ ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिसे देखकर अगर आपको वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एज वो लॉकअप में दिख गए तो शायद आपको तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इस सेलिब्रिटी का नाम जिसका मैं बताने जा रही हूं, जो बिग बॉस सीजन 15 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रोवर्सीज कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ लेटेस्ट में उनके कॉन्ट्रोवर्सीज काफी ज्यादा है। वेल मैं बता दूं कि जय भानुशाली, जी हाँ जय भानुशाली को कुछ ही दिनों पहले उन्हें कंट्रोवर्सीज के घेरे में लिया गया था, उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने अडॉप्टेड बच्चों को छोड़ दिया था अपनी मतलब कि अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे को अपनाने के लिए अपने सारे के सारे, यानी दो अडॉप्टेड उनके बच्चे थे जिन्हें कि उन्होंने छोड़ दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने अडॉप्टेड बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, जिसके बाद कि जय भानुशाली को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। और कहीं ना कहीं लेटेस्ट ट्रोलमेंट में अगर कंट्रोवर्सीज देखा जाए तो जय भानुशाली को शायद इसलिए अप्रोच किया गया है एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर शो लॉकअप में आने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अप्रोचमेंट को अप्रूव करके जय भानुशाली आते हैं अपने कॉन्ट्रोवर्सीज पर और भी सवाल जवाब करने के लिए शो लॉकअप में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।